नमस्कार, स्वतंत्र प्रभात में आपका स्वागत है। कोरोना के समय में कई कोरोना योद्धा हमारे सामने आए हैं। उनमें कुछ बड़े नेता थे, कुछ छोटे थे, कुछ समाज सेवी थे। इसी कड़ी में आज हमारे साथ भारतीय जनता युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष आदित्य गुप्ता जी हैं। इनके बारे में हमें कई सारी जानकारी मिली कि इस कोरोना टाइम में जो प्रवासी मजदूर बाहर से आ रहे थे उसको लेके इन्होंने कई सारे काम किए हैं। उसी टॉपिक पे हम बात करने के लिए आज आए हैं। आदित्य जी, हमारे स्वतंत्र प्रभात चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अभी जैसे कि कोरोना संकट चला है, जिससे हमारा देश ही नहीं, कोई हमारा लखनऊ ही नहीं, पूरी दुनिया परेशान थी। उसमें कई हमारे प्रवासी थे जो बाहर रहते थे, वो आते थे। खास करके ये मोहनलालगंज लखनऊ का आउटर एरिया माना जाता है, और यहाँ के बाहर के जो रास्ते थे, इसी रूट से कई सारे प्रवासी गुजरते थे। तो उन प्रवासियों को आप देखते थे, और आपके अंदर कैसा क्या फील होता था, और आपने उनके लिए क्या करने का प्लान बनाया, क्या किया? हमारे मोहल्लागंज में जो है, जो प्रवासी मजदूर जो आ रहे थे, उनको क्वारंटाइन करने के लिए एक क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था, जिसका नाम था राधा स्वामी सत्संग। तो वहीं पे सारे मजदूरों को हम लोग रोकते थे, और उसके बाद जो भी मजदूर जैसे रोड पे आते जाते थे, उनको हम लोग भोजन, सैनिटाइजर, मास्क और किसी पास अगर कहीं बाहर आने जाने की व्यवस्था नहीं होती थी, साधन भी उपलब्ध कराते थे। आदित्य जी, जैसे भोजन, सैनिटाइजर, मास्क, ये सब आप उपलब्ध कराते थे, इसके लिए जो एक्सपेंसेस आते थे उसको आप कैसे मैनेज करते थे? आप खुद के पास से करते थे या लोगों से चंदा लेकर, ये चीजें कैसे मैनेज करते थे? उसके लिए मेनली हम लोग अपने निजी खर्चे से ही उसको मैनेज करते थे, और कुछ हमारे युवा साथी थे साथ में, सब लोग साथ में मिलकर ही करते थे उसको। कई बार बातें सामने आती हैं कि हमारे नहीं, ये विपक्ष हावी हो जाता है कि बीजेपी में जो छोटे कार्यकर्ता होते हैं, जैसे आप, खैर एक आप मोहनलालगंज के मंडल अध्यक्ष हैं, इन लोगों की बातें थाने हुए या पार्टी में सुनी नहीं जाती है, ऐसा आरोप बीजेपी पे जो लगता है, ये सही है या गलत है? नहीं, ये आरोप एकदम सरासर गलत है, और बीजेपी के हर कार्यकर्ता की बातें सुनी जाती हैं, और बीजेपी में हर नेता जमीन से उठा हुआ है। अगर हम बात करें अपने माननीय नरेंद्र मोदी जी की, तो वो भी जमीन से उठे हुए नेता हैं, जो ये चाय बेचने वाले थे और आज भारत के प्रधानमंत्री हैं। तो यहाँ एक हर छोटे कार्यकर्ता को उसी नजर से देखा जाता है कि वो देश का भविष्य हो सकता है। बहुत सही बात आपने कही, नरेंद्र मोदी जी जमीन से उठे नेता हैं। जैसे आपके पास कई ऑप्शन थे, कई पार्टियां थी, और आपने बीजेपी ही को क्यों चुना? और पार्टी थी, कांग्रेस थी, सपा थी, उसमें उसके बजाय बीजेपी में क्यों जाना आना चाहिए? अगर मैं बात करूं अन्य पार्टी, जैसे कांग्रेस हो गई और समाजवादी पार्टी हो गई, तो ये दोनों की जो कार्यशैली है भाजपा से बहुत ही अलग है। इन दोनों पार्टियों में परिवारवाद का बहुत बड़ा वो है। तो अब बात करें कांग्रेस की, तो इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी बीच में थे राहुल गांधी जी, तो उनके वजह से शायद कुछ उसमें कार्यक्रम नहीं ठीक हो पाए, तो सोनिया गांधी जी को वापस में राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। तो जिस पार्टी में ऐसा परिवारवाद हो कि बस माँ बेटे ही उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, अन्य लोगों को यह ना मिले, तो वो पार्टी सिर्फ परिवारवाद करती है। और बात करते समाजवादी पार्टी की, तो इसमें भी सिर्फ परिवार के लोग ही होते हैं, बाकी सिर्फ कार्यकर्ता नीचे के नीचे ही रह जाते हैं। अब कहते हैं कि भाजपा में हर इंसान कुछ भी बन सकता है अपने मेहनत पे और अपने कामों पे, आपको क्या लगता है कि सही समय तब था लॉकडाउन का या? सही समय तभी था लॉकडाउन का, क्योंकि अगर हम कंपैरिजन करते हैं अदर कंट्रीज से, तो हमारे भारत ने इसमें काफी ज्यादा कंट्रोल किया है कोरोना पेशेंट्स में। और रही बात अगर लॉकडाउन की, तो लॉकडाउन का समय बहुत ही सही था, कि सही समय रहते ही सही कदम उठा लिए गए थे, जिस वजह से कोरोना इतना प्रभाव नहीं बना सका हमारे देश में। आपके मोहनलालगंज एरिया में कोरोना की क्या स्थिति है? कोरोना की स्थिति हमारे मोहल्लागंज में बहुत सही है, और बहुत ही कम मरीज पाए जा रहे हैं, और अधिकतर अगर मरीज पाए गए हैं तो बस 2 से 3 संख्या में, उससे ऊपर नहीं। जैसा कि कई लोग आरोप लगा रहे हैं कि इस समय लॉकडाउन खुलने के बाद कोरोना के केसेस दबाए जा रहे हैं, बताए नहीं जा रहे हैं, सरकारी आंकड़े बाहर उस हिसाब से नहीं आ रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है? ये विपक्ष का है जो कहना कि जो ये कोरोना के जो मरीज हैं उनके सही आंकड़े नहीं बताए जा रहे हैं, तो ये सरासर गलत है। और अगर हम बात करें अभी रिसेंट की, तो आगरा में प्रियंका गांधी जी ने आरोप लगाया था ये कि मरीज के जो आंकड़े हैं सही नहीं बताए जा रहे हैं। इस पर बाद में डीएम ने उनसे इसमें स्पष्टीकरण मांगा, और ये भी कहा कि अगर आप नहीं बता पाते इसमें सफाई दें, और यदि नहीं होता तो आपके ऊपर मुकदमा भी दर्ज किया जा सकता है। ये विपक्षों की एक चाल कह सकते हैं इसको।
सरकार को बदनाम करने की। आपको क्या लगता है आदित्य जी, लॉकडाउन सफल रहा या असफल? लॉकडाउन तो बहुत ही सफल रहा और बहुत ही अधिकतर केसेस को कंट्रोल किया जा चुका। प्रवासी मजदूरों के लिए पूरी व्यवस्थाएं की गई, उनके आने जाने का, रहने का, खाने पीने का पूरा बंदोबस्त, पूरी व्यवस्था करी गई। और साथ ही जो हमारे भाई जो बाहर विदेशों में रहते थे उनके लिए भी अभियान चला करके उनको भी वापस लाया गया। लॉकडाउन का जो उद्देश्य था वो यही था कि कोरोना के केसेस भारत में ना बढ़े, इसीलिए चार फेज में लॉकडाउन किया गया। आज कंडीशन ये है कि 4.5 लाख कोरोना पेशेंट हो गए, तो कैसे आप कह सकते हैं कि कोरोना के टाइम का जो लॉकडाउन था वो सफल हुआ? अन्य देशों के मुकाबले हमारे देश की आबादी बहुत है और हमारा देश जो है अभी भी एक डेवलपिंग कंट्री है जहाँ पे अधिकतर ग्रामीण इलाके हैं और उन तक ये सुविधाएं मुहैया नहीं करवाई जा रही हैं। उस हिसाब से देखा जाए तो बाहरी देशों के मुकाबले हमारे देश में अभी भी मामले कम हैं और उनकी रिकवरी भी बहुत अच्छी हो रही है।